हेलो एवरीवन, वेलकम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक एस टेक वर्ल्ड में। वेल, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक पेज को किसी दूसरे के फेसबुक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। देखो यार, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा, मैं क्यों ट्रांसफर कर रहा हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बताना जरूरी है। मेरा जो ये फेसबुक पेज है, इस पर मैं एडवर्टाइज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज फेसबुक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है मेरे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेज को दूसरे के फेसबुक पे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ और मैं उससे एडवर्टाइज कर पाऊँगा। आपका कुछ कोई भी रीज़न हो, ठीक है, अगर आप अपने फेसबुक पेज को किसी भी दूसरे के फेसबुक पेज पे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं बहुत इजी वे में भी बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक पेजेस को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे के अकाउंट में, या फिर आप पेज एडमिन कैसे चेंज कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप किसी भी फेसबुक पेज को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसका एक्सेस आप भी ले सकते हो, उसका एक्सेस वो भी ले सकता है, दोनों ले सकता है एक्सेस। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एक्सेस आपके पास रहेगा, वो सिर्फ एडवर्टाइज़ करेगा, या फिर वो सिर्फ एडिट करेगा पेज को, या फिर वो सिर्फ कमेंट कर सकता है। मतलब अभी मैं आपको जैसे जैसे आगे बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे फेसबुक पेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फेसबुक पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक पेज है ड्रीम शॉप, इस ड्रीम शॉप को मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। आपको जिस भी फेसबुक पेज को ट्रांसफ़र करना है दूसरे अकाउंट में, सबसे पहले तो आपको उस फेसबुक पेज पर आ जाना है। फेसबुक पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ये फेसबुक पेज है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स ऐड करके रखा हूँ। मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ कि आप प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऐड कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे कोई बाय पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे जा सकता है और वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। ये वीडियो मैं बना के रख चुका हूँ, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो। वेल, मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे इसे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो फेसबुक पेज पे आपको आना है। फेसबुक पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखो आप सेटिंग का ऑप्शन है। आप मोबाइल में कर रहे हो, या फिर क्रोम ब्राउज़र में कर रहे हो, या फिर पीसी में कर रहे हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सेटिंग पे आना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, आफ्टर दैट यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है हल्का सा, और यहाँ पे आप देखो पेज रोल का ऑप्शन है। अरे यार, ये रहा पेज रोल। जैसे आप पेज रोल पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको एक है असाइन अ न्यू पेज रोल, और असाइन अ न्यू पेज रोल में यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइट साइड में यहाँ पे एडिटर ऑटोमेटिक ये डिफ़ॉल्ट सेट है, बट जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन आ रहा है, मॉडरेटर का ऑप्शन आ रहा है, एडवर्टाइज़र का ऑप्शन आ रहा है, एनालिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको आप जिस पेज में जिस फेसबुक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इस पेज को, तो वो बंदा एडमिन रहेगा या फिर एडिटर रहेगा, सिर्फ एडिट कर सकता है या फिर सिर्फ एडवर्टाइज़ कर सकता है, वो आप चूज़ कर लीजिए। बट अगर आप उसको हर एक चीज़ का एक्सेस देना चाहते हो, एडवर्टाइज़ भी करे, एडिट भी करे, तो आप सिंपली एडमिन पे क्लिक कर दो। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप अ नेम, यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो आप उस बंदे को सर्च करो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे वो मिल चुका है। सो जैसे आप सर्च करोगे, देन आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे, देन आपको यहां पे पासवर्ड फिल करना होगा। और पासवर्ड फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, देन यहां पे अब आपको क्या करना होगा ना, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आप देखो आप तो एडमिन हो ही, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग पेज रोल्स, यहाँ पे एडमिन में तो मैं खुद हूँ ही, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जिसे मैंने अभी ऐड किया है तो ये पेंडिंग शो कर रहा है। तो पेंडिंग शो कर रहा है, तो अब क्या करना होगा, उस बंदे को जिसके पेज पे मैं ट्रांसफ़र करना हो ये तो उनको एक्सेप्ट करना होगा ये इन्विटेशन, राइट। तो अब क्या करना है, अब आपको न्यू टैब ओपन करना है, अब फेसबुक में वापस से जाना है और उस वाले फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, और ये रहा वो फेसबुक अकाउंट जिससे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, बिकॉज इसमें मेरा एडवर्टीजमेंट ऑन है, मैं इससे एडवर्टाइज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप देखो अभिषेक सिंह इन्वाइटेड यू टू बिकम एन एडमिन ऑफ ड्रीम शॉप, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, अभी देखो यहाँ पे तीन पेज यहाँ पे शो रहा है, योर पेजेस एंड प्रोफाइल्स, राइट। अभी मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे चार पेज आ जाएगा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देखो ड्रीम शॉप भी आ चुका है। अब मैं ड्रीम शॉप पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से मैं कुछ भी एक्सेस, अब हर एक चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से एडवर्टाइज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे
अब देखो प्रोडक्ट आ गया, अब मैं यहाँ से अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। ये आ गया मेरे पास एक्सेस। सो गाइज, ये था आज का वीडियो कि कैसे आप फेसबुक पेज को ट्रांसफर करोगे दूसरे के अकाउंट में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ और बहुत ही वीडियोस हैं। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।